हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमित शर्मा एंड ई स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने पहले चैप्टर कर रखा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज उसी का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, जो कि है स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज होते क्या हैं? स्फेरिकल लेंसेज इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाई टू सर्फेसिस, वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। तो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके दोनों तरफ क्या होती हैं, स्फेरिकल लेयर्स, स्फेरिकल लेयर्स। उसके बाद स्फेरिकल लेंसेज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दे आर कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वेक्स लेंसेज। कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो सेंटर से थिक होता है और एजिस से क्या होता है, थिन होता है। तो आप फर्स्ट इमेज जो आपको नीचे दिख रही है उसमें आप देख सकते हैं, ये है आपके पास कन्वेक्स लेंस। एंड सेकेंड जो है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो होगा वो सेंटर से थिन और एजिस से क्या होगा, थिक होगा। देखिए आप, एजिस मतलब जो उसके कॉर्नर एरिया है, तो वहाँ से थिक होगा। इन दोनों में देखिए इमेज फॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला है। इसमें अगर हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइंस जो लाइट रेज हैं स्ट्राइक करेंगी, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, जिसको हम फोकस कहते हैं, वहाँ पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी सारी की सारी। तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। एंड इसमें कनकेव लेंस की बात करूँ, तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को पास करें तो वो उनको डाइवर्ज कर देगा, मतलब फैला देगा। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा कर देना एक पॉइंट पे, डाइवर्ज का मतलब फैला देना। तो देखिए यहाँ पे सेकंड केस में जो आपको दिखाया गया है, यहाँ पे ये सारी रेज को क्या कर देगा, डाइवर्ज यानी कि फैला देगा। तो इसकी अगर हमने इमेज बनानी है तो हमें इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा पीछे की तरफ। देखिए सारी रेज को अगर रीड्रॉ करें पीछे की तरफ तो वो जाके यहाँ पे इकट्ठी होंगी, तो यहाँ पे उसकी इमेज जो है वो फॉर्म होगी। अब आगे केसेस को डिस्कस करते हैं इनके। सबसे पहले देखिए रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो इनके पहले रूल्स हैं, ये इन रूल्स को देख लेते हैं। अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूँ, अगर इससे कोई भी लाइट जो है, लाइट रे जो है, वो बेसिकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, तो वो टकराने के बाद, रिफ्रैक्शन करने के बाद फोकस से पास होगी हमेशा, ठीक है जी। ऐसे ही सेम इसमें भी जब हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो वो उसको डाइवर्स तो करेगी, जब पर उसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रीड्रॉ करके, ये देखिए यहाँ पे F1 पे उसकी इमेज जो है वो बनेगी। तो इसकी इमेज हमेशा टू द राइट बनेगी, और कनकेव की बात करूँ तो उसमें टू द लेफ्ट। याद रखिएगा, कन्वेक्स में ज़्यादातर एक दो तो केस को छोड़ के बाकी सब में इमेज जो है वो टू द राइट बनेगी, और इसमें हमेशा टू द लेफ्ट बनेगी। नेक्स्ट है, अगर कन्वेक्स लेंस में रे जो है F1 से पास हो रही है और बाद में जाके वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो जाएगी, और इसकी बात करूं कनकेव लेंस की, उसमें जो है देखिए यहाँ पे वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही जाएगी। और देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम F1 से पास करके इस लेंस पे यहाँ से पैरेलल कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें करने के लिए बेसिकली इस पॉइंट, क्योंकि हमें F2 से पास करना है इसके लिए, ठीक है जी, तो वो प्रिंसिपल टू और सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से रेस जाए, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करें तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से किसी भी तरह की रिफ्रैक्शन जो है वो नहीं होगी, एज इट इज रे जो है वो निकल जाएगी विदाउट रिफ्रैक्शन। देखिए दोनों केस में, कन्वेक्स और कनकेव के दोनों के केसेस में वो एज इट इज सीधी ही चली जाएगी, ठीक है जी। तो ये किस केस में है, ऑप्टिकल सेंटर में। नेक्स्ट, उसके बाद आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंसेज। तो हमारे पास अब कन्वेक्स के अलग अलग केसेस हैं। तो सबसे पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर हम इन्फिनिटी पे रखें, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी सारी रेज, याद रखिएगा इन्फिनिटी के केस में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी हमेशा। ऑब्जेक्ट जो पड़ा होगा हमारा, वो उसकी जो रेज होंगी वो पैरेलल जाएंगी।
प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने के बाद सारी की सारी कहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, एफ टू पे, ठीक है जी। तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है तो इसलिए इनको सभी को कन्वर्ज करके कहाँ पे कर देता है, एफ टू पे। तो इमेज जो फॉर्म होगी, देखिए पॉइंट साइज इमेज होगी, तो इसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, और ये रियल होगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने 2F1 से पीछे रखा, तो ये रहा F1, ये 2F1, तो इससे पीछे, तो ये रहा हमारे रेड कलर से हम ऑब्जेक्ट को शो करेंगे और पिंक से इमेज को। तो देखिए यहाँ से एक लेयर तो जाएगी सीधी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो दोनों जाके जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पे क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। तो देखिए यहाँ पे ये इमेज फॉर्म हुई, तो देखिए ऑब्जेक्ट साइज काफी बड़ा लग रहा है और इमेज साइज जो है वो काफी छोटा है, तो इमेज जो फॉर्म होगी दैट इज हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट केस करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, जब ऑब्जेक्ट जो है हमने सेकंड यानी कि 2F1 पे रखा है, तो देखिए यहाँ पे रखा और इसको ड्रॉ किया हमने सेम वही जो हमने पहले किया था वैसे ही, पर इसमें फर्क क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है वो और भी पास आ गया लेंस के, तो इसके कारण क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट साइज है वो इमेज साइज के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ कहूँ कि जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होगी, ठीक है जी, और रियल एंड इन्वर्टेड इसमें होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, यानी कि ये देखिए 2F1 और F1 के बीच में अगर रखा जाए ऑब्जेक्ट को, ये रहा, तो देखिए इमेज फॉर्म होगी एक तो पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये देखिए यहाँ पे, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज का साइज है, तो इमेज काफी ज्यादा बड़ी बनेगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या होगी, इट इज एनलार्ज्ड रियल एंड इन्वर्टेड, और कहाँ पे रखा था हमने, बिटवीन 2F1 एंड F1। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रखा F1 पे, तो देखिए जब F1 पे हम ड्रॉ किया हमने इसको रखे, तो एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास की, और दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, और ये पैरेलल का केस बना, पैरेलल मीन टू से कि काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज्ड इमेज, यानी कि काफ़ी बड़ी इमेज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हमने ऑब्जेक्ट को, तो देखिए यहाँ पे, तो एक पैरेलल टू और दूसरी थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो दोनों यहाँ पे जा रही हैं रेस, अब कहीं पे इमेज तो ये यहाँ पे इस साइड पे, तो कहीं पे इमेज नहीं फॉर्म होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको रीड्रॉ करना पड़ेगा पीछे की तरफ, तो ये देखिए यहाँ पे रीड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी, पर इमेज जो होगी काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज्ड यानी कि बड़ी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो याद रखिएगा जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे अगर इमेज बन रही है तो वो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने पे हमें मिल रही है कि इमेज का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ओके फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे पास अब कनकेव लेंस है, सो इसमें पहला केस वही है और मैन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा सारी लाइन को डाइवर्ज कर देंगे, तो डाइवर्ज करने के बाद हमें इमेज तो चाहिए, तो इमेज फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए रीड्रॉ करेंगे इन पॉइंट से 1, 2, 3 एंड 4, इन पॉइंट्स से जब दोबारा रीड्रॉ करेंगे इन सभी को यहाँ पे, तो F1 पे जाके इमेज बन जाएगी। तो मैंने पहले बोला जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज बने, तो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरी चीज यहाँ पे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट सॉरी पॉइंट साइज इमेज बनेगी तो हाईली डिमिनिश्ड होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1, इन्फिनिटी एंड F1 के बीच में रखा गया, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड O। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी एंड F1 के बीच में, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये डाइवर्ज हो गई, उसको रीड्रॉ किया हमने यहाँ पे, और ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट साइज, ये इमेज साइज, तो ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा और इमेज जो है वो काफ़ी छोटी होगी, इसके कारण
जो है वो हाईली डिमिनिश्ड होगी और दूसरी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि दोनों सेम साइड ऑफ द लेंस पड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन आपको न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, तो देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन काफ़ी ईजी है, जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा है हमने कि एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव एक्स की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाई की तरफ अगर कोई भी हाइट लेते हैं हम तो वो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वाई की तरफ तो वो हाइट जो है वो नेगेटिव मानी जाती है। तो देखिए, ये हमारे पास एक लेंस है, अगर हम इस लेंस से टू द राइट जाते हैं, इस लेंस के टू द राइट जाते हैं तो कोई भी जो डिस्टेंस है दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर हम लेंस से टू द राइट जाते हैं, टूवर्ड्स लाइट जाते हैं, सॉरी टूवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं, तो वो हमेशा नेगेटिव माना जाएगा। डिस्टेंस टूवर्ड द लेफ्ट क्या माना जाएगा, नेगेटिव। और दूसरी चीज, हाइट की बात करूँ मैं, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो हाइट होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव वाई तरफ जाती है तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, यानी कि हाइट अपवर्ड की तरफ होगी तो पॉजिटिव, और हाइट अगर डाउनवर्ड की तरफ है यानी कि नेगेटिव वाई की तरफ है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे हम उसको। ठीक है स्टूडेंट, होप सो आपको साइन कन्वेंशन समझ आ गई होगी। तो एक चीज़ आपको, हाँ ये याद रखनी है, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, यहाँ पे यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से एफ वन का जो डिस्टेंस है, स्मॉल एफ बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ, इस मिरर के लिए आपके लिए जो है वो टूवर्ड्स द, देखिए लेंस से हम नेगेटिव एक्स की तरफ जाएंगे, ओ से एफ की तरफ अगर जाएंगे तो देखिए जो डिस्टेंस है दैट शुड बी नेगेटिव, तो इसके लिए नेगेटिव और दूसरे के लिए पॉजिटिव। देखिए दूसरे में आपको एक केस दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस है, इमेज आप यहाँ पे फॉर्म हो रही है इधर, तो देखिए टूवर्ड्स दिस, इसकी तरफ आने में जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, टूवर्ड्स राइट होगा, क्योंकि इमेज राइट साइड पे बनी है, तो इसके लिए वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला के सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, आपके पास लेंस फॉर्मूला बन जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f इज योर लेंस फॉर्मूला। आपको पता है क्या क्या चीज़ें हैं, ये वी यू एंड एफ आप पढ़ सकते हैं। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, एंड एफ क्या है, फोकल लेंथ है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीफिकेशन, ये आपने मिरर में भी पढ़ी थी। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम h2/h1 से भी डोनेट करते हैं, या v/u भी कह सकते हैं इसको, या h/o भी बोल सकते हैं। h/i मीन्स हाइट ऑफ इमेज एंड h/o इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो या फिर अगर ये न्यूमेरिकल्स में भी आपको यूज हो सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा फोकल लेंथ इज 1/p, या फिर कह सकते हैं पावर ऑफ लेंस इज 1/f। ठीक है जी, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस जो है उसको बोलते हैं डायोप्टर। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 3 मार्क्स में पिछली बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था डायोप्टर के बारे में। तो 1 डायोप्टर की डेफिनेशन क्या है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो याद रखिएगा इस डेफिनेशन को, द पावर ऑफ, और हाँ ये भी आपको चीज़ है, क्योंकि देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो फोकल लेंथ है वो कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है और कनकेव के लिए नेगेटिव। तो अगर इसका, इस फोकल लेंथ का साइन जो है वही मैटर करेगा पी के साइन के लिए। ठीक है जी, तो देखिए, सो इसी कारण पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसके लिए एफ भी है, स्मॉल एफ जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। एंड पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस। ठीक है, तो क्योंकि उसके लिए एफ भी है वो नेगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच,
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के रिगार्डिंग अभी भी रह गया है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना मत भूलिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैं और वीडियोस दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।